भारतीय रेल की बदलती हुई तस्वीर की मिसाल बन रहे हैं देश भर में पुनर्विकसित होते रेलवे स्टेशन, जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर स्टेशन का पुनर्विकास कुल 534.70 करोड़ की प्रस्तावित लागत से किया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 48,061 वर्ग मीटर में किया जाएगा। यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6,775 वर्ग मीटर में विशाल कॉन्कोर्स होगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे। पुनर्विकसित स्टेशन में 19 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। शानदार वेटिंग एरिया, विशाल पार्किंग की सुविधा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्काई वॉक से प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे और पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने वाले स्टेशन के पुनर्विकास में विकास के साथ साथ स्थानीय विरासत का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए स्टेशन के भवन को स्थानीय कला और संस्कृति से हाईलाइट किया जाएगा, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के लिए अभी तक सभी आवश्यक संस्थाओं जैसे ग्वालियर नगर निगम, वायुसेना पुरातत्व और मध्य प्रदेश विद्युत विभाग से कार्य हेतु अप्रूवल लिया जा चुका है। वहीं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तथा कार्यालय भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्वालियर शहर का ये स्टेशन पुनर्विकसित होने के बाद यात्रियों का सफर तो सुगम बनाएगा ही, साथ ही इस क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी।